हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के इस एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने रिवीजन क्लास है 2 अप्रैल की, ठीक है। 2 अप्रैल 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कराए गए थे विद ट्रिक्स, उन सबको रिवीजन करना एक बार ज़रूरी है। तो विद इन 24 आवर्स आप रिवीजन करेंगे तो ज़रूर बिल्कुल भी वीडियोज़ को, अपने क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आपको ट्रिक्स डिस्कस की गई थी। ट्रिक्स अगर किसी ने नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखा, तो एक बार प्लीज़ जाके देख लीजिए और उसके बाद इसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस बैंक का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए पीएम केयर्स आपातकालीन निधि का भागीदार बनाए, ठीक है। तो पीएम केयर्स, आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या करा, एक पीएम केयर्स योजना चलाई है, जिसमें क्या कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ डोनेशन देना है अपने कोविड-19 को लड़ने के लिए, ठीक है। कोविड-19 के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी गरीब लोग हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए पीएम केयर्स की स्थापना की गई है। तो इसका भागीदार बैंक कौन है? तो आपको ऑलरेडी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताया गया था कि इसका भागीदार बैंक कौन है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागीदार बहुत है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि SBI ने कितना अपना प्रॉफिट पीएम केयर्स में देने की घोषणा की है। तो पूरे 1920 का जो भी उसका 0.25, ठीक है, 0.25% जो भी प्रॉफिट होगा उसका 0.25% उसने पीएम केयर्स में डोनेट करने की घोषणा की है। तो अभी फ्रेंड्स, बहुत हम क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोविड-19 की पूरी कंट्री जो है लॉकडाउन है, ठीक है। तो आप भी अपने इसमें ज़रूर डोनेट करिए कुछ ना कुछ, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। सभी आप स्टूडेंट्स हैं तो आप जितना भी कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, किस रेलवे ने कोविड-19 के खिलाफ 16 यात्री डब्बे को लड़ने के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदलने का फैसला लिया है? ईस्टर्न रेलवे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समूह की संख्या कितनी है? तो UP-11 से भी हमने याद करा था, UP-11 टीम किसने बनाई थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यहाँ पे समूह की संख्या पूछी है तो वो भी कितनी है? 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चीन ने टेनरे किंग की पहचान कोविड-19 के लिए सबसे अच्छे इलाज के रूप में यह पारंपरिक दवा किस जानवर के पित, ठीक है। तो कोविड-19 के लिए चीन ने एक टेनरे किंग नाम की मेडिसिन को खोज की है, तो वो उसका जो पित है वो किस जानवर से, उसका जानवर के पित से वो दवाई बनाई गई है, बियर, भालू के, ठीक है, भालू के पित से वो दवाई बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा EPF संशोधन योजना 2020 में किया गया संशोधन 28 मार्च तक लागू होगा, ठीक है। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो आपको बताया था कि श्रम और रोजगार मंत्री ने एक ऐप भी बनाई थी, वो संतुष्ट ऐप बनाई थी, ठीक है, जो आपकी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो अभी इसके मंत्री पूछे गए हैं, तो कौन है? संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लम डावर्स के लाभ के लिए किस राज्य ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधाएं स्थापित की हैं? तो मोबाइल हैंड वॉश किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस भारतीय मंत्री का नाम बताइए जिसने देश भर के डॉक्टरों को एम्स से जोड़ने के लिए नई दिल्ली में कोविड-19 नेशनल टेलीकॉलिंग सेक्टर कॉन्टैक, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किस नाम से बनाया है, कॉन्टैक नाम से बनाया है, आपस में जोड़ने के लिए, ताकि डॉक्टर्स जो हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो नई दिल्ली के एम्स के जो भी आपके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर सके। तो ये किसने शुरू करा है? आपके डॉक्टर्स हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के कौन है? मिनिस्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर अगले 60 दिनों के लिए परमाणु प्रतिबंध लगा दिया है? किस पर? ईरान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए कितने का बीमा करने की घोषणा की है? तो 50 लाख का बीमा डॉक्टर्स और नर्सेज जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद है, 4 PSB में 10 पब्लिक सेक्टर, आपको पता है कि जो हमारे 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थे जिनका विलय होकर 5 पब्लिक सेक्टर बन गया, ठीक है, और ये कब से लागू हुआ है? ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है फ्रेंड्स, भले ही लॉकडाउन चल रहा हो लेकिन पहले ही आ गया था कि इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके अनुसार सिंडिकेट बैंक में किसका विलय हुआ है? तो सिंडिकेट बैंक में किसका विलय हुआ है? कैनरा बैंक का, ठीक है, के आ रहा है तो सिंडिकेट, के से कैनरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अप्रैल को विलय से होने से पहले अपना लोगो बदल दिया है, ठीक है। तो PNB में किस किस का विलय हुआ है? PNB, बताया था आपको कि पंजाब जो है ओरिएंटेड होके UK बन जाएगा, तो ओरिएंटेड ओरिएंटल बैंक ऑफ कोर्स और UC यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा RBI
एक मिनट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई नोट की मांग के बिना जोखिम मुक्त सरल वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर सकता है? तो कौन कौन प्रदान कर सकता है? लघु वित्त बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा कोष यानी कि IMF, IMF ने COVID-19 प्रभाव के कारण दुनिया में मंदी की घोषणा की है। तो IMF का मुख्यालय पूछा गया था कहाँ पर है? Washington DC में। ठीक है, आप इनके हेडक्वार्टर्स स्ट्रैटेजी के को क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद किस राज्य ने डिलीवरी से जुड़े सभी लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप करी है? तो प्रज्ञाम ऐप किसने लॉन्च करी है? झारखंड। फ्रेंड्स, इनकी ट्रिक्स विद ट्रिक्स ऑलरेडी आपको बताई गई थी, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और उसके बाद आपको ज़रूर इंटरेस्टेड भी लगेंगी ये वीडियोज़। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजॉय मेहता को किस भारतीय राज्य के मुख्य सचिव के रूप में 3 महीने का सेवा विस्तार मिला है? तो अजॉय मेहता को किसके राष्ट्र के? महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पे उन्हें विस्तार किया गया है उनकी 3 महीने के लिए? महाराष्ट्र राज्य, अजॉय मेहता। निम्नलिखित में से किसने हिंदू प्राइज, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू प्राइज पुरस्कार 2019 जीता है? तो देखो, हिंदू प्राइज पुरस्कार में 2 कैटेगरी में मिला है, एक तो फिक्शन कैटेगरी में मिला है और एक नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिला है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे फिक्शन कैटेगरी में मिला है, फिक्शन कैटेगरी में मिला है मिर्जा वहीद को। ठीक है, और नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिला है शांतनु दास को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसने जीता है? तो शांतनु दास और मिर्जा वहीद, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर फिक्शन कैटेगरी में पूछता है तो मिर्जा वहीद, और नॉन फिक्शन कैटेगरी में पूछता है तो शांतनु दास। फ्रेंड्स, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपना सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस मूवी का नाम बताइए जिसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म पुरस्कार 2020 में हिंदी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो बेस्ट फीचर क्रिटिक्स के मामले में किसको मिला है? गली बॉय को। ठीक है, बहुत फेमस मूवी रही थी, देखिएगा अगर किसी ने नहीं देखी है तो। उसके बाद उन भारतीय संस्थानों का नाम बताइए जिन्होंने संगरोध में रहने वाले लोगों द्वारा उल्लंघन को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन और सेफ नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। तो IIT बॉम्बे। ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी? सेफ यानी कि सैफ अली खान। और ये जितने भी हीरोज हैं मोस्टली कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। उस ऐप का नाम बताइए जिसने राजस्थान पुलिस ने बंद के दौरान लोगों को आवाजाही के लिए अनुमति दी थी। तो राजस्थान पुलिस ने जो है अनुमति दी थी उसके लिए एक क्या करा था, एक ऐप बनाई थी, वो कौन सी थी? राजकॉप नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने दस्तावेज के लिए और कोरोना के बाद सभी आयु समूह के लिए प्रासंगिक पाठन सामग्री प्रदान करने के लिए कोरोना स्टडी सीरीज, ठीक है, कौन सी सीरीज? कोरोना स्टडी सीरीज के नाम से एक श्रृंखला बनाएंगे, ये शुरू करेंगे एक। तो ये किसने बताया है, किसने कहा है? ये NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, ये जो कोरोना स्टडी सीरीज है, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे इस सीरीज में दिए जाएंगे, और उसको कौन लॉन्च करेगा? NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट इसको लॉन्च करेगा। इससे रिलेटेड फैक्ट एक ये भी है कि तो NBT है, उसने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारी बुक्स को क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये एक कैंपेन चला रहे हैं कि स्टे एट होम। आपको पता है कि मोदी जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन को, और COVID-19 से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो NBT ने लॉन्च करा है स्टे एट होम विद बुक्स। ठीक है, एक स्कीम चलाई है, एक लॉन्च करा है स्टे एट होम विद बुक्स। इसके तहत उन्होंने क्या करी है, बहुत सारी बुक्स आपको फ्री प्रोवाइड की हैं, तो आप अपने घर पे बुक्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उसके बाद कोरोना स्टडीज सीरीज भी ये नेशनल बुक ट्रस्ट। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, रिप्लाई कीजिएगा कि जो NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द डेथ ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी है। तो द डेथ ऑफ जीसस किसने लिखी है? जीसस का डेथ करा है, कत्ल करा है, तो कोत जी। ठीक है, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिल चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था एक बार, और इन्होंने जीसस के ऊपर 3 सीरीज़ लिखी हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा उनका नाम, तीसरी सीरीज़ कौन सी है? द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर 2020 हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ आवर मनाया जाता है हर साल, तो इस बार 2020 को कब मनाया गया था? तो हर साल ये आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो अगर आखिरी शनिवार इस बार कब पड़ा था? 28 को पड़ा था। ठीक है, तो 28 मार्च को ये बनाया गया था अर्थ आवर। कब बनाया गया था? 28 मार्च को। इसमें करते क्या है, एक घंटे के लिए सारी लाइट्स ऑफ करते हैं। ठीक है, तो 8:30 to 9:30 का टाइम था जिस टाइम पे ये अर्थ आवर बनाया गया था 28 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस को ट्रैक और
ट्रैक करने और सकारात्मक मामलों की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना कवच। कोरोना कवच, कवच क्या है? आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कोरोना वायरस चल रहा है बहुत ज़्यादा, सब जगह लॉकडाउन है, अपने घर में रहिए, स्टे सेफ विद बुक्स रहिए बिल्कुल। NBT की वेबसाइट को सर्च करिए, उसका मिनिस्ट्री का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, एक टास्क आपको दिया गया था, एक टास्क आपको दिया गया था कि जो भी आपको फनी ट्रिक लगती हैं, ठीक है, जब आप रिविजन क्लास करते हो तो ज़रूर आपको सारी ट्रिक्स याद आ जाती होंगी, तो जो भी आपको फ़नी ट्रिक लगती है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इसके साथ साथ आपको क्या अच्छा लग रहा है वीडियोस में, क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो भी ज़रूर बताइए, ताकि हमें हेल्प मिले, ठीक है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।